हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा बर्थडे गिफ्ट। और फर्स्ट मैं इससे टिंकू से स्टार्ट करूँगी, जो मैंने अपने बर्थडे के ब्लॉग में दिखाया था। फर्स्ट गिफ्ट यही है मेरा। जब भी हस्बैंड नाराज होते तो यही मेरा पार्टनर होता है, इसलिए ये मेरा बहुत फेवरेट है। सेकेंड प्रोडक्ट ये वॉलेट है, क्लच है, पार्टी वेयर क्लच। ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया। ये सारे प्रोडक्ट जो मैं दिखा रही हूँ आपको ऑलमोस्ट मेरी चॉइस के हैं, कुछ सरप्राइज नहीं है। एक प्रोडक्ट को छोड़ के जो मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया, वो भी मैंने उनको चॉइस बता दी थी। डिज़ाइन वगैरह, ब्रांड वगैरह उनकी चॉइस है, क्योंकि उनकी चॉइस कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी है, बहुत ही कमाल की है। बस कपड़ों का डिज़ाइन मुझे उनका थोड़ा कम पसंद आता है, बाकी चीज़ें सही लाते हैं। तो ये वॉलेट कुछ इस तरीके से, इस तरीके का इसमें टैसल लगा हुआ जो बहुत ही प्यारा, और ये गोल्डन कलर। यूज़ करके देखते हैं, अभी तो जस्ट लिया है, कहीं भी यूज़ नहीं किया मैंने। कुछ टाइम बाद अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है तो ये जो गोल्डन कलर है या सिल्वर जो भी कलर होता है, क्वालिटी अच्छी होगी तो। अभी लुक वाइज तो अच्छा लग रहा और स्पेसियस भी है, बट अगर कुछ टाइम बाद ये फेड नहीं होता है, कलर इसका नहीं जाता, तो आप मान सकते हैं कि अच्छा है और यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज सेम कॉपी आपको रोड साइड में भी मिल जाएगा और कॉस्टिंग में भी हाफ का डिफरेंस आ जाता है। तो ये अप्रॉक्स, वैसे गिफ्ट का प्राइस तो मैं नहीं बताना चाहिए, बट फिर भी क्योंकि ये मैंने खुद ही भेजा था सिस्टर को कि ये मुझे चाहिए, तो अप्रॉक्स 700 समथिंग का था। प्राइस अप डाउन तो होते ही रहते। तो इस तरीके का स्मार्ट टैसल लगा हुआ है और गोल्डन वर्क है, इस तरीके जर्कन्स लगे हुए हैं। अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया, इसमें कुछ प्रोडक्ट रखे हुए हैं और इसमें ये गोल्डन स्लिंग भी मिल जाता, तो आप एज अ स्लिंग भी कैरी कर सकते हैं इसको। और इस तरीके से क्लच, ये सिंपल लुक के लिए भी और पार्टी वेयर लुक के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसमें। देखते हैं फ़ोन आता है या नहीं। मेरा फ़ोन इसमें आ गया, जबकि इतना हैवी कवर है मेरे फ़ोन का, आपको दिखाती हूँ मैं। इसमें फ़ोन आ जाएगा, आपकी लिपस्टिक वगैरह, छोटे मोटे कॉस्मेटिक्स और हाउस की वगैरह, आप कैश वगैरह, कॉइन वगैरह कैरी करना चाहें, जो भी नॉर्मली पार्टी में आप कैरी करते हैं वो चीज़ें आ जाएंगी। इतना बड़ा फ़ोन है, आप देखिए कवर भी इतना बड़ा, फिर भी ईजिली फिट हो गया। तो ये परफेक्ट है पार्टी के लिए या न्यू ईयर पार्टी में आप कहीं जा रहे हैं, जहाँ की आपको ज़्यादा लगेज या ज़्यादा कुछ ऐसा कैरी नहीं करना होता है, वहाँ के लिए परफेक्ट है। और इसका वेलवेट फिनिश है, टेक्सचर आप देखिए। इसका भी मैंने रिव्यू चेक किया था और काफ़ी लोगों ने इसको ड्रेस के साथ कैरी करके दिखाया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और प्राइस भी जो था वो अच्छा था, वर्थ बाइंग है मेरे अकॉर्डिंग। बस इसका कलर, ये जो गोल्डन है, अगर ये नहीं जाता है, वैसे भी इस पर पानी या कुछ भी ऐसा पड़ना नहीं है तो इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा। तो फर्स्ट प्रोडक्ट ये था जो सिस्टर ने गिफ्ट किया था। एंड सेकंड है ये लिपस्टिक, पोज ब्रांड का, मैंने कभी नहीं यूज़ किया है। मैंने दूसरा उनको सेंड किया था, बट उन्होंने सोचा, वैसे वो इतनी मेकअप लवर नहीं है और ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हैं, बट उन्होंने, मैंने जो सेंड किया था वो मैबलिन का था, 350 समथिंग था जो मैंने कलर और ब्रांड भेजा था उनको कि ये लिपस्टिक चाहिए। तो उन्होंने प्राइस देख के, उन्होंने सोचा कि ज़्यादा प्राइस का है तो ज़्यादा ही अच्छा होगा, कुछ ऐसा सोच के शायद उन्होंने ये ऑर्डर किया है। और मैंने यूज़ नहीं किया है तो इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि वर्क कैसा करेगा, बट ब्रांड तो अच्छी है। तो इस तरीके का पेपर बॉक्स है ये, और अंदर भी आपको पेपर बॉक्स ही मिलता है। कुछ आप देखिए, सिंगल स्ट्रोक में ये सेमी मैट आप कह सकते हैं, ना तो कम्प्लीटली ड्राई कर रहा है और ना ही ग्लॉसी है कि लिप से बाहर कहीं जाने का डर, मतलब जो टेक्सचर आप चाहते हैं, जैसा मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं नीचे ग्लॉस यूज़ करती हूँ, उसके बाद उसको थोड़ा सा ड्राई होने देती हूँ, फिर लिपस्टिक लगाती हूँ, अदरवाइज़ बहुत ड्राई हो जाता है। तो मेरे लिए तो परफेक्ट है ये। और इसका कॉस्ट है 599, 600।
यूज़ करके देखते हैं कि लिपस्टिक यूज़ करके ही आप जान सकते हैं, क्योंकि कुछ लिपस्टिक आप अप्लाई करते हैं उसके बाद बहुत हैवी सा फील होता है और कुछ इतना लाइट फील होता है जैसे लगता है कुछ अप्लाई नहीं किया। तो यूज़ करने के बाद मैं इसका रिव्यू दूंगी आपको। एंड नेक्स्ट है, इनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई है, फेसेस कैनेडा का है और काफ़ी टाइम से ये पैक हुआ रखा था। एंड फेसेस कैनेडा वेटलेस मैट फिनिश लिपस्टिक, इसका प्रोडक्ट क्वांटिटी आपको 4 ग्राम मिल जाता है, प्रोडक्ट कॉस्ट 300 है एंड इस तरीके का ब्लैक बुलेट फॉर्म में आता है। हाँ, इसका लॉक काफ़ी अच्छा है, आप देखिए ये थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करने पे ओपन होगा, ऐसा नहीं है कि आप पर्स में कैरी करते हैं बैग में तो ओपन हो जाएगा। ये भी सिमिलर सा सेड है और इसका फिनिश भी सिमिलर ही है, ना ज़्यादा ड्राई है ना ज़्यादा लिक्विड है, मतलब ग्लॉसी भी नहीं है इतना, कंफर्टेबल फॉर्मूला लग रहा है मुझे, काफ़ी लगभग सिमिलर ही है। उनको पता भी है और मुझे, मैं जब भी कोई चॉइस पूछता मैं बोल देती हूँ मेकअप प्रोडक्ट चाहिए और ये चाहिए। और ये एक डियो दिया है, रैमसन्स डिओड्रेंट स्प्रे, फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी लग रही है, यूज़ करते हैं देखते हैं कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा। एंड नेक्स्ट जो है ये है रिंग लाइट, जो मेरी भांजी ने क्यूटी पाई ने दी है। उसने ये सोच के दिया कि मुझे रिंग लाइट काम आने वाली है और मेरे लिए यूज़फुल भी है, बट अभी इसको मैंने यूज़ नहीं किया है, छोटे से बच्चे ने दिया है बहुत प्यार से। तो पहले हस्बैंड यही गिफ्ट करने वाले थे बट उसने गिफ्ट कर दिया, तो अभी यूज़ करके देखते हैं कितना टाइम चलेगा कितना नहीं। बट उसने सेट करके मुझे दिखाया था, इसमें 3-4 तरीके की लाइटिंग और सेटिंग का ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है ये कैसियो का स्पोर्ट वॉच, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है और मैंने उनको बता दिया था कि मुझे स्पोर्ट वॉच चाहिए। पहले कंफ्यूज हो रहे थे क्या दूँ और मैं भी कंफ्यूज थी, मेरी सिस्टर ने बोला स्पोर्ट वॉच नहीं है तो ले लो, तो मैंने बोल दिया कि हाँ मुझे स्पोर्ट वॉच चाहिए। तो ये भी मैंने पैक करके रखा ही था कि वीडियो करने के बाद मैं पहनूंगी, बट काफ़ी टाइम हो गया, 1 मंथ से ज़्यादा हो गया बर्थडे को, तो कुछ चीज़ें रखी ही रह जाती, मैंने बताया आपको। तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी और इतनी अच्छी पैकेजिंग होती तो ऐसा मन ही नहीं करता कि इसको यूज़ करें, पैक ही रहने दो। तो कुछ इस तरीके का है, इसमें कार्ड वगैरह वारंटी कार्ड वगैरह सब इसमें रखा है बॉक्स में, कुछ इस तरीके का बॉक्स है और ये कार्ड वगैरह इसमें ही है। और ये इस तरीके की वॉच है, तो ये वॉच मुझे काफ़ी पसंद आई, इसमें ब्लैक और गोल्डन का जो कॉम्बिनेशन है मेरा फेवरेट है और इसको मतलब लगाने में काफ़ी अच्छा सा लुक देता है। और मेरे पास इससे पहले फॉसिल की वॉच थी जो मेरी बहुत फेवरेट थी, वैसे बहुत सारी हैं, चाइनीज़ है, जब तक थे तब तक चाइनीज़ डिज़ाइन बहुत सारे आते हैं जो बहुत अफोर्डेबल भी होते हैं और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे होते हैं, तो पहले मैं जितने चाइनीज़ ऐप थे उससे मंगाती रहती थी, बट वो 1 ईयर भी चल जाए तो बड़ी बात, वो कभी भी सडनली बंद भी हो जाते, तो अब मैं एक एक करके धीरे धीरे डिस्कार्ड कर रही हूँ। 2-3 जो इंडियन ब्रांड्स हैं वही हैं मेरे पास और कुछ के लॉक वगैरह लॉकिंग सिस्टम जो है वो लूज़ हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, तो इस वजह से कम मैं पहनती हूँ, मैं मोस्टली फॉसिल, और अब ये मेरी फेवरेट है जो मैं जब से मैंने निकाला है तब से मैं रेगुलरली ही पहन रही हूँ, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये लंबे टाइम तक चलने वाला कोई ऐसा गिफ्ट नहीं है कि कंज्यूम हो जाने वाला है, तो ये भी मेरा फेवरेट है क्योंकि मैंने बता के लिया है तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अदरवाइज हस्बैंड जब भी कुछ गिफ्ट देते हैं अच्छा होता, ब्रांडेड होता, पैसे लगे होते, बट ज़रूरी नहीं मुझे पसंद आए। कुछ चीज़ें उनकी क्लॉथिंग में मैं उनसे मंगाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि क्लॉथिंग में बॉटम वेयर मैं मंगा लेती हूँ, बट टॉप या कुर्ते वगैरह उनकी चॉइस थोड़ी डिफरेंट है, बहुत सिंपल टाइप की, और मुझे डिफरेंट डिज़ाइन वगैरह पसंद आते हैं। तो एनीवेज
एंड नेक जो है ये नेक पीस है जो बहुत ही प्यारा सा है, और इस तरीके के पैकेट में तो क्लियर नहीं समझ में आएगा, जब इसको किसी लुक बुक में ट्राई करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। इसका सॉरी मैंने फेस मास्क के पैकेट में रख दिया, मैं सोच रही हूँ इतना कम MRP कैसे इसमें आ रहा है। इसका MRP है 750 और ये ऑफ पे था उस टाइम, और ये ब्रांड है लाइफ करके, बिग बाजार या पेंटालूंस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कहाँ से लिया है। ये कुछ इस तरीके का है, बहुत ही प्यारा सा, इसकी साइन बहुत ही अच्छी है। आप जब भी ब्लेज़र वगैरह पहनते हैं इस पर तो पता नहीं चलेगा, ब्लेज़र वगैरह पहनते हैं उसके साथ टी शर्ट या टॉप वगैरह के साथ डीप नेक का जो हो उसके साथ कैरी करेंगे तो बहुत ही प्यारा सा लगेगा। और आजकल गोल्ड सिल्वर इतना कोई पहनता नहीं है, तो आर्टिफिशियल का कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड है, तो मैं भी कलेक्ट कर रही हूँ ऐसे ऐसे पीसेस, बहुत ही प्यारे लगते हैं। आर्टिफिशियल की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। एंड कुछ गिफ्ट्स और हैं, उस दिन मैं और मेरी सिस्टर गए थे मेरा गिफ्ट लेने, बट कुछ खास पसंद नहीं आया, तो कुछ रैंडम टॉप वगैरह जो पसंद आए वो लिए, जो कि अभी इसमें नहीं इंक्लूड है बिकॉज अभी मैंने यूज़ कर लिया, वॉश करने के लिए रखा हुआ है। एंड जो नेक्स्ट है वो मेरी सिस्टर ने अगेन ये सूट गिफ्ट किया है, कुर्ता सेट, कुछ इस तरीके का दुपट्टा है, पूरा रेड कलर में है। ये मैंने करवा चौथ के पर्पस से लिया था, बट उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो व्रत रखा था, बट पिक्चर्स वगैरह नहीं क्लिक की, कोई ब्लॉग नहीं शेयर किया। कुर्ते के फ्रंट पे कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है, ये मेहंदी ग्रीन कलर है, बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन है, और इसमें 3/4 स्लीव मिल जाती है, स्लीव पे भी सेम पैटर्न दिया हुआ है, नीचे से मिल जाती प्लाजो पैंट जो कि नॉर्मल है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। तो ये बेसिकली मैंने लिया तो था बर्थडे के टाइम, बट ये मैंने लिया ये सोच के लिया था करवा चौथ में ट्राई कर लूँगी, पहन लूँगी, फ्रेश पहनते करवा चौथ में, और लहंगे वगैरह इस टाइप की चीज़ें एक बार आप परचेज कर लेते हैं, रख देते हैं, यूज़ करके दोबारा कभी टाइम नहीं आता, और जब टाइम आता है तो ऐसा लगता कि जो ऑलरेडी पहना हुआ है, पिक्चर क्लिक की हुई, उसको दोबारा से क्यों पहनना, फिर वेस्ट लगता है और पैसे भी वेस्ट जाते हैं। तो इस वजह से मैंने ये कुर्ता लिया था, कुर्ता सेट। इसका दुपट्टा मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, जो मल्टीपर्पज़ली मैं यूज़ कर सकती हूँ, इस सूट के अलावा भी मैं किसी और कुर्ते पे इसको कर सकती हूँ यूज़। तो ये कुर्ता सेट मैंने लिया था लाजपत मार्केट से, और सिमिलर कुर्ता मेरी सिस्टर ने भी लिया था, तो ये सिस्टर ने गिफ्ट किया। एंड कुछ चीज़ें और रह रही हैं जो उस टाइम मुझे पसंद नहीं आई थी, तो ये सारे गिफ्ट थे। और एक कुर्ता मेरी मम्मी ने जो गिफ्ट किया था वो मुझे उसका कलर मेरे पे उतना सूट नहीं कर रहा था, तो वो मैंने अपनी सिस्टर को ही दे दिया। अभी बहुत सारे गिफ्ट पेंडिंग भी हैं जो कुछ टाइम बाद मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, बहुत सारे लोग उस टाइम पे नहीं लाते। और मेरी एक फ्रेंड ने प्लांट गिफ्ट किया था, बहुत ही प्यारा है, जो मैं अपने डाइनिंग टेबल पर रखती हूँ, किसी ब्लॉग में आपको शेयर करूँगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली से, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।